नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अंबाला पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। उनके साथ हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और वर्तमान राज्य परिवहन मंत्री असीम गोयल भी थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आज की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी मंतो कटारिया की जीत का दावा किया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने के बयान पर प्रतिक्रिया दी और साथ ही उत्तर भारत में वोट प्रतिशत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हर राज्य का वोट प्रतिशत अलग अलग है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी और बीजेपी के सहयोगी 30 सीटें जीतेंगे। मित्रों, लोकसभा के चुनाव के नाते से जो हमारी व्यवस्था के बैठकें होती हैं उस हिसाब से आज मेरा लोकसभा अंबाला का एक प्रोग्राम बना हुआ था जिसमें हर एक विधानसभा के प्रमुख लोगों को बुला करके आज मैंने मीटिंग की है। सुबह पंचकुला कालका, उसके बाद नारायणगढ़, फिर सढ़ोरा, यमुनानगर, जगाधरी और अभी यहाँ मुलाना, अंबाला छावनी और अंबाला शहर, ऐसे सभी नौ विधानसभा के कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई है। हमारी सारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं बहुत अच्छे प्रकार से चल रहे हैं। हमने संपर्क अभियान भी अपना चलाया हुआ है। कैंडिडेट के कार्यक्रम भी डोर टू डोर भी हो रहे हैं। विधानसभा अनुसार हमारी रैलियां भी हो रही हैं और एक प्रकार का जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूं कि बहुत अच्छे मार्जिन से लोकसभा अंबाला की सीट हम जीतेंगे। भले ही अभी हम देख रहे हैं कि इस खेल के अंदर हम एक पाले में खूब डट कर लगे हुए हैं, सामने वाले पाले में तो उनकी टीम और उनके लोग उतरने के लिए अभी तैयार भी नहीं हैं और उनके कार्यकर्ता भी कितने परेशान होंगे। मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ कि एक महीना भर से उनकी तैयारी चल रही है कि आज लिस्ट आएगी, आज कैंडिडेट आएंगे, आज ये होगा, जबकि हमारा एक प्रकार से 60% से ज़्यादा एक अभियान पूरा हो चुका है। लेकिन अगला जो महीना है उस महीने में भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार से तेज़ी से चलते रहेंगे और 25 मई को यानी एक प्रकार से लोकतंत्र का जो एक बहुत बड़ा उत्सव है ये पूर्ण होगा और सब लोग वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर हमारी कैंडिडेट मंतो कटारिया को मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे। देखिए, उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो NDA के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के, और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। कि अब इस विषय में तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वोटिंग कहीं 60% हुई है, कहीं 70 हुई है, त्रिपुरा जैसे राज्य में 80% से भी ऊपर हुई है। तो ये वोटिंग पैटर्न हर राज्य का अलग अलग होता है और राज्यों में भी किन किन सीटों पर पोलिंग होती है ये अलग अलग पैटर्न होता है। वोटिंग परसेंटेज तो जब सारा देश भर का जब चुनाव हो जाएगा सातवें चरण के बाद ही पता लगेगा देश में किस प्रकार किस राज्य ने क्या परफॉर्म किया। अप्रैल के माह में ही भीषण गर्मी ने लोगों को मई जून का एहसास करा दिया है। जिस तरह का मौसम है उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पार या उसके बराबर हो सकता है। मौसम के मिजाज को देखते हुए लखनऊ मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 5 दिनों तक जब तक ज़रूरी न हो लोग तेज धूप में न निकले। दरअसल इन 5 दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि लोगों को रात में भी चैन नहीं मिलेगी। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले 5 से 6 दिनों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा, यानी
लोगों को रात में भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अलर्ट और गर्मी के देखते हुए लोग अभी से ही अपने घरों में कैद हो गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर सन्नाटा हुआ है। अप्रैल के महीने में ही लोगों को चिलचिलाती धूप ने परेशान कर रखा है और आप देख सकते हैं कि जिस वक्त जहां पे हम खड़े हैं, लखनऊ का ये हजरतगंज चौराहा है। आमतौर पर ये हजरतगंज इलाका है, यहां पर लोगों का हुजूम रहता था, आवाजाही लगी रहती थी, लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही है, गर्मी का सितम। और गर्मी को देखते हुए ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 5 दिनों तक की मौसम का मिजाज फिलहाल ऐसे ही रहने वाला है और लोगों को एक चेतावनी भी दी है कि अगर ज़रूरत ना हो तो वो घर से ना निकलें। 5 दिनों तक मौसम ऐसे ही लोगों को, यानी गर्मी का सितम लोगों को जो है इसी तरह से रुलाएगा। और सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग ने कही है कि जिस तरह से दिन का तापमान रहेगा उसी तरह रात में भी लोगों को सुकून मिलने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है उससे साफ जाहिर है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को किसी भी तरह यानी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। और गर्मी, यानी ये दिन की गर्मी के अलावा दिन में लोगों को गर्मी का सितम तो रहेगा ही, रात में भी लोगों को कहीं सुकून नहीं मिलेगा। और मौसम विभाग का अलर्ट है कि आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, तेज़ धूप में ना निकलें और घरों में ही रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थक पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। मंत्री संजय निषाद के साथ हुई मारपीट की घटना मोहम्मदपुर कठार गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई। घटना के बाद प्रवीण निषाद और पार्टी विधायकों ने धरना दिया और हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंत्री संजय निषाद को हल्की चोट आई, उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां से उन्हें इलाज की सहायता मिली। इस मामले में 4 नामजद और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना के बाद शेष अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, मैं अपने मछुआ समुदाय का नेतृत्व करता हूं और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूं और जितने भी कोशिश करते हैं उनके जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह में खुद जाऊँ। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहता है मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी। तो वहाँ हमको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए, तो हमें जाना चला गए। वही हुआ मोर्चा का गांव है, बैठे वहाँ तो पानी उन्हें पी लिया, पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं, आगे लाके बैठा दिया। और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद खराब बोले, तो मैंने कहा सांसद आएंगे उनसे बात कर लेना। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके जितने बोलने के बाद उसने
हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो, फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ गोल गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी, पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी एक दो तीन घंटा पहले गए थे, उन लोगों ने कुछ तरीके से करके आए थे ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था, वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग चार थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए कि क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतना ही बोला, उसके बाद ही तो गमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके की घटना तो उचित नहीं है। अब हमले हमलावर यादव जी थे, अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और जनार्दन, तमाम अब तमाम उसके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा, और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर भी इनका रहा था, इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। हमें लगता है कि ये सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से इस तरीके सभी पार्टियों का, तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। पंडित जी आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि यहाँ क्योंकि वहाँ जो हमलावर था, तो मैं क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उसे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ उठा लाया और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा, मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं क्या मानते हैं प्रशासन की भी चूक? निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया और उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले और समर्थकों के बीच परोस है तो गलत बात है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित हो, तो कानून अपना काम करेगा। तो कानून देखिए, अब चूंकि एक दो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फोन किया हमारे पीआरओ ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी का, और उसने कहा कि ऐसे तो ऐसे मर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। तो मैंने कहा भी इनसे, तो मेरा कहना ये है कि मैं माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है यहाँ, चुनाव परिवार यही है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने उनसे पहले भी 5 दिन पहले ही सुरक्षा मांग रखा था, जब आए इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किस के लोग हैं, उनको ही पहचानती हैं। तो यह तो यहाँ लापरवाही निश्चित रूप से कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज को लेकर के लोग वहाँ से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया। और कोई विशेष बात नहीं, हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं। निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम अधिकारी करें, मेरा कहने मतलब यही। मंत्री संजय निषाद जी के साथ क्या घटना घटी है? कल रात्रि 21/22/4/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे, उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके PSO द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर FIR दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 IPC का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है, और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा, और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी में अपना समर्थन देने वाले नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह समर्थन PM मोदी के नेतृत्व में और उनके अनुकरणीय नेतृत्व में दाग मुक्त भाजपा शासन के सम्मान में आया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के हमारे साथी, सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बड़े कार्यकर्ता साथी, जनप्रतिनिधिगण ज्वाइन करने के लिए आज सब एकत्र हुए हैं। ऐसे समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय शंकर लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी इंचार्ज आदरणीय मनीष जी, आदरणीय हिमांशु जी और विशेष रूप से यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री आदरणीय शिव भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश जी और मंच पे हमारे दाहिनी तरफ विराजमान है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद रहे, विभिन्न उच्च पदों पर काम कर चुके आदरणीय संतोष सिंह जी, आज विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले बड़े चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कार्यालय आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 से लेकर 24 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। इन 10 वर्षों में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा ने कामयाबी हासिल की। दुनिया में विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को माननीय मोदी जी ने स्थापित करते हुए भारत की छवि को दुनिया के पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारत जो कहता है दुनिया सुनती है और यही परिणाम है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्षी गठबंधन जो पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में था, वो नया रूप लेकर के, नया रूप धर करके इंडी गठबंधन के रूप में सामने आए हैं, बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश के 8 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। जिन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा उनमें पूर्वी कामेंग जिले के मामेंग विधानसभा क्षेत्र में सारियो, करूंग के कुमेया में न्यायपीन विधानसभा सीट के तहत लोंगटे लोत, ऊपरी सुबनसिरी जिले में नाचो निर्वाचन क्षेत्र के तहत डिंगसेर, बोगिया सियुम, जिम्बारी और लेंगी मतदान केंद्र शामिल हैं। सियांग जिले के रुमगोंग विधानसभा क्षेत्र के तहत बोंगने और मोलोम मतदान केंद्रों पर भी पुनर्मतदान होंगे। 19 अप्रैल को एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के दौरान ईवीएम को नुकसान पहुंचा गया और हिंसा की खबरें भी आई। आयोग ने रविवार को एक आदेश में 8 मतदान केंद्रों पर मतदान को शून्य घोषित कर दिया और 24 अप्रैल को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिर से मतदान करने का आदेश दिया है। पूर्वोत्तर राज्य में 60 संसदीय विधानसभा के लिए 50 विधायकों को चुनने के लिए कुल 892,694 मतदाताओं में अनुमानित 74.44% ने 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही 10 विधानसभा सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। इम्फाल पश्चिम के इरोई सेम्बा में स्थित उरीपोक विधानसभा क्षेत्रों के 3 मतदान केंद्रों पर मतदान चल रहे हैं।
इन तीनों मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 19 अप्रैल को ईवीएम मशीनों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद ईसीआई ने 11 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का आह्वान किया। मतदाताओं ने इस बार की व्यवस्था पर खुशी जताई है और सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकल रहे हैं। इन तीनों मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखी जा सकती है। चिलचिलाती धूप के बावजूद इन मतदान केंद्रों पर उच्च प्रतिशत मतदान की उम्मीद है। नाम पहले बताइए। आई मीन नाम पर कौन इज द वे ले बंदा इरो शंबा मोरा कौन ले नंबर 2 दगी ने इंग्लिश ता आई दे आबा इंग्लिश ता आई इंग्लिश के करना नंबर स्क्वाड हो जे हिंदी दे तुम जे हिंदी जो है के है के मीटर या मैं भी दिखा देता हूं। अबे तुम हालत हूं तो बताइए आपको क्या नाम है। तो मेरा नाम मेरे को मानी ले। अच्छा, और तो आप कैसा लग रहा है आज, मतलब रिपोल हो रहा है बहुत तो अच्छा लग रहा है। पहले का सिस्टम से आज का जो सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है और कास्टिंग में भी हम लोग को आसान लग रहा है। क्या डिफरेंस है आपने बताया मतलब कि पहले की सिस्टम जो सिस्टमेटिक है ना, अभी आज का जो सिस्टमेटिक और पहले का सिस्टमेटिक में फर्क है। और ये ऑफिसियल लोग आपको मतलब हेल्पफुल है क्या है बताइए। वो लोग हेल्पफुल है, सिर्फ ऑफिसियल लुक रही है, सिस्टम में भी हेल्पफुल है। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में कोई बताएगी आप मतलब। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है क्योंकि ये ऐसा सिक्योरिटी होगा तो पहला जैसा जो गंदगुल हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको होगा भी नहीं। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सलाम दया। सलाम दया। सो हाउ डू यू फील वोटिंग फॉर द सेकेंड टाइम? आई एम हैप्पी। यू आर हैप्पी? एनी डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टाइम एंड दिस टाइम द अरेंजमेंट? There is some difference like security arrangement. Are the officials helpful? Yeah. Why are you happy this time and were you not happy last time? Why you are not happy last time and why you are happy this time? Okay, you know, mamang idun nuai te ko kajal kajal nung dekay. So you said you were happy this time and last time you were not so happy. So what is the difference? Why are you happy this time, not happy last time? There was some difficulties, and then this time there was some security tight arrangement. So this is why I am so happy. Thank you. Ming, di kaya ko ba? Apollo ka ba? Kano ko tahan jo kaya? To ab batai ab ye, is it your first time vote? No. Second or third? Third. Okay. Then is there any difference between the last time, the arrangement here and this time? This time it's more secure. It's more secure? Yeah. What about the officials? Are they helpful? Yeah. Helpful? Yeah. Okay. You are near from here? Yeah. You tell me your lakai? Yeah, mamang lakai. Irish mamang. No, it's mamang. Thank you. अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।